ब्रॉट टू यू बाय एजिलस डायग्नोस्टिक्स। हेल्थ की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। दीवार पे कल हमला सुना हम लोगों ने, बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस पे? देखिए, अगर आप वो वीडियो पूरा देखें तो जिस तरह से उन लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर हमला किया, उनका एक ही मकसद था, उनको जान से मारना या उनको गंभीर रूप से जख्मी करना। आप वो पूरा वीडियो देखिए, आपको बिल्कुल क्लियर कट पिक्चर नजर में आएगा। पिछले 10 सालों से अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल को ख़त्म करना चाहती है। जेल में डाला, जेल में जब उनको लगा कि भाई जेल से नहीं ख़त्म हो रहे हैं, तो जेल के अंदर उनको कितने दिन तक इंसुलिन नहीं दिया उनको। वो शुगर के हाई पेशेंट हैं वो, लेकिन उनको इंसुलिन नहीं दिया। जब बहुत हंगामा हुआ, बहुत हल्ला हुआ, तब जाके उनको इंसुलिन दी उनको। आज जब वो बाहर आए और पब्लिक में घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों में ज़बरदस्त तरीके से उत्साह है उनको लेकर, ऐसे में अपने गुंडों को भेजकर, अपने पार्टी के गुंडों को भेजकर इस तरीके से हमले कराना, ये बहुत ही निंदनीय और बहुत ही गलत है और भारतीय जनता पार्टी का घटियापन दर्शाता है। वहीं बीजेपी की तरफ से पलटवार सामने आता हुआ नजर आया है कि इसमें से कोई बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं था, आम आदमी पार्टी ने खुद प्लान करा सारा। आप डिटेल देखो ना, सारा सोशल मीडिया पे देखो, फोटो के साथ दिखा रहे हैं कि ये फला आदमी यूथ का वाइस प्रेसिडेंट है, ये फला आदमी एक्स कैंडिडेट है उनका काउंसलर का, तो सारा सोशल मीडिया पे आप देखो, सारी हमने निकाल के दे दिया कि ये बंदा किस पार्टी का, कहाँ पे है, कैसे है। बात करें पोल्यूशन की तो यमुना में लगातार पोल्यूशन देखने को मिल रहा है। अभी 2 दिन पहले दिल्ली बीजेपी के प्रेसिडेंट सचदेवा जी गए थे, उन्होंने पानी वहाँ पे पिया और आज वो आरएमएल में एडमिट हैं। वो तो जबरदस्ती एडमिट हुए हैं, जब उनको लग गया 24 घंटे 48 घंटे में कुछ हुआ नहीं तो जबरदस्ती जाके एडमिट हो गए। आप ये देखो कि कल मैंने रात में उनकी बाइट देखी, जब सीएम साहब के ऊपर हमला हुआ है तो आप देखो ना, वीडियो एक आई है उनकी, उस वीडियो में कितने तरोताजा एकदम खिले हुए नजर आ रहे हैं वो कहीं से। वो तो जब अब उनको दिखाना था, क्योंकि हम सब ने पूछा भाई 24 घंटे हो गए, 36 घंटे हो गए, 40 घंटे हो गए, वीरेंद्र सचदेवा को तो कुछ हुआ नहीं, तो उन्होंने जाके एडमिट करा लिया। बिल्कुल स्वस्थ हैं, ठीक हैं और एकदम शानदार हैं वो। तो दिल्ली की जनता अपनी छठ पूजा आसानी से और आराम से बहुत अच्छे से, आज देखो कितना अच्छा मौसम खुला हुआ है। देखिए, पिछले पोल्यूशन का जो सबसे बड़ा कारण है दिल्ली के अंदर, वो है उत्तर प्रदेश हरियाणा से जो पराली जलती है, और वो पराली जो दिल्ली के अंदर आती है उसका सबसे बड़ा रीज़न है दिल्ली के अंदर पोल्यूशन को। तो भारतीय जनता पार्टी अगर कुछ मदद करना चाहती है दिल्ली की, तो हरियाणा सरकार को फ़ोन करे, यूपी सरकार को फ़ोन करे और राजस्थान सरकार को फ़ोन करे, जिसमें उनकी पार्टी सरकार में है, और वहाँ पे जाके उनकी पराली जलनी बंद कराए, अगर वो कुछ मदद करना चाहते हैं। हालांकि मुझे अपेक्षा नहीं है उनसे कि वो मदद करेंगे।